करते हैं अभी। तो यार आज मैंने सोचा कि चलो गाइस रैंडम लोगों के साथ मिलके खेलते हैं। तो मैंने जहाँ से रैंडम लोगों के साथ मिलके खेलते वहाँ से उन लोगों को इनवाइट किया और मैं रैंडमली किसी की टीम में चला गया। अब यहाँ पे मैं टीम में आ तो गया था लेकिन वो लोग मुझे कह रहे थे कि चलो यार हमारे साथ आओ सेवरनी उतरो, बट मैं सेवरनी नहीं गया क्योंकि देखो स्पाइडरमैन वाले अपडेट में ना ज़्यादातर लोग जो है वो सेंटर में उतरना पसंद करते हैं क्योंकि सूट भी मिल जाता है, बंदे भी ज़्यादातर यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट और कोचिंग के आसपास वाले इलाकों में उतरना पसंद करते हैं। हालांकि सेवरनी हॉट ड्रॉप लग रहा था बट फिर भी मैं वहाँ पर गया नहीं यार, और वो तीन लोग जो एक साथ चले जाते हैं। अब देखो खतरा सबसे ज़्यादा मेरे को क्योंकि मैं अकेला था, आपको पता है तीन लोगों में से अगर एक दो नॉक हो भी जाएं तो कोई उनको सहारा दे देता है, लेकिन जो अकेला बंदा उसको सबसे ज़्यादा खतरा था। लेकिन वो बेचारे तीनों के तीनों जो है सेवरनी में जाके वाइप आउट हो जाते हैं। एंड पहले एक बंदा नॉक हुआ, फिर दो, फिर बैक टू बैक तीन, तो मैं समझ गया भाई मेरे को इनको रिकॉल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस मॉड को किल लिया, इससे M4 ले ली मैंने और इतने में न्यूज़ आते हैं कि ये तीनों जो है पिल चुके हैं। तो मैं जाता हूँ बग्गी लेके, देखो तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं, इनके पास रिकॉल ऑप्शन था तो ये मेरे को बोलते हैं रिकॉल कर दे, रिकॉल कर दे। तो मैं यहाँ पे आया इनको रिकॉल करने, सबसे पहले मैंने इनको रिकॉल किया, उसके बाद हमें सबसे पहले मारना था अपार्टमेंट वाले बंदों को। वहाँ पे एक टीम आ रखी थी, मैं अकेले, तो मैंने बोला यार देखो अगर आते हो साथ में तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, मैं अकेला चला जाऊँगा उनके साथ लड़ने के लिए। तो ये पहले तो ये नहीं आते, मैं अकेले जाते, देखो इनको रिकॉल कर चुका हूँ, आस पास ये लोग उतर भी चुके हैं। तो मैं देखता हूँ अपार्टमेंट वाले बंदे तो स्कूल गए हैं मेरे को मारने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक बॉट को मारा था और उनको पता है कि भाई स्कूल पे कोई ना कोई तो है, तो मतलब वो मेरे को मारने के लिए गए वहाँ से, यहाँ से लूट करके। अब मैं जो है चुपके चुपके से उनका पीछा करता हूँ यहाँ से ताकि इनको ना पता लगे, और सीधा यहाँ से जाता हूँ अंदर। अब एक बंदा दिखा था मेरे को और यहाँ पर निकलते हैं पूरे चार बंदे, और चार बंदे कोई ऊपर कोई नीचे, मतलब हर तरफ से फुसटा पा रहे थे। तो मैं चला गया छत पे, सबसे पहले छत वाले को, छत वाले को निपटाया। तो इधर से एक बंदा आ रहा था और वो कन्फ्यूज हो जाता है, तो मैंने इतने में इसको फिनिश कर दिया, रिलोड कर दी अपनी M4। अब बाकी के तीन बंदे मेरे पे टूट पड़ते हैं एक बैक टू बैक, पहले वो उस सीढ़ी से आ रहे होते हैं, उनको पता इस सीढ़ी से बंदा है तो वो इस सीढ़ी की तरफ से आते हैं अब, और यहीं कहीं से बंदे ऊपर आते हैं और देखो कैसे पड़ते हैं उनको एक एक करके। इसको भी निपटाया, इसको भी निपटाया, और जो आखिरी बंदा बचा हुआ था जैसे उसने देखा तीन बंदे खत्म, भाई बंदे ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया सीधा भाग गया यहाँ से। पहले तो वो उस तरफ देखो किसी को मार रहा था, लेकिन उसके बाद जो भाग जाता है इनको बचाने के लिए। और भाई दो दो ग्लेशियर M4 क्या लग रही है यार, एकदम पीठ पे देखो ब्लैक ड्रेस के ऊपर, अच्छी लग रही कि नहीं बताने मेरे को कमेंट सेक्शन में, बताओ। फुल मैक्स कर रखी भाई ऐसे थोड़ी, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इसको भी निपटाया हमने फ्री फंड में, और थोड़ी सी मेरे को एमो चाहिए थी 5 की, वो मैंने यहाँ से उठाई, और उठाने के बाद जो है हम यहाँ से अभी निकल, देखो इनके पास ना अब दूसरी लाइफ नहीं है ये लोग क्योंकि ऑलरेडी एक बार मर चुके, तो मेरे पास अभी भी दूसरी लाइफ, इसलिए मैं रिस्क ले सकता हूँ। बट इनका कोई भरोसा भी नहीं है यार, ये तीनों के तीनों लोग पिल चुके हैं इतनी आसानी से, तो मेरे को ज़्यादा भरोसा लग भी नहीं रहा था। फिलहाल उसके बाद वहाँ से निकले पोचिंग के आते हैं, यहाँ देखा कि बंदे तो थे, लाशें भी पीछे रखी हैं लेकिन बंदे शायद सामने जा रखे हैं, और तभी दिखते सामने सबसे पहले जो भाग रहा होता है, मैंने उसी को लेटाया। उसके बाद मैं छत पे जा ही रहा होता हूँ कि बंदा छत पे, तो मैं वापस नीचे कूदा बट उसने मेरे को मार दिया था। अब भाई मैंने इनको पता नहीं चिल्ला चिल्ला के बताया भाई ऊपर से बंदा कूदेगा, मेरे को रिवाइव मत दो मत दो, वो मेरे को रिवाइव देने में लगे हुए थे पता। फाइनली वो कूदा और जब मैं हट गया साइड तो उन्होंने देख लिया उसको कूदते हुए और मार दिया। अब वहाँ से तो भाई बच गए हम। अब आते इस जगह पर, यहाँ पे ना पता नहीं क्या हो रहा था, पहले तो ये पोर्ट वाली फायरिंग कर रहे थे और सडनली इनमें से भी किसी एक का ना इंटरनेट चला गया था, जैसे कि जब मैं रिवाइव दे रहा था तो मेरा खुद का इंटरनेट चला गया था यार। और इस मैच में मेरा तीन बार जो है बीच में इंटरनेट गया, हालांकि इंटरनेट तो सब कुछ सही था लेकिन गेम में कुछ सर्वर का इशू था, वैसे ही इन दोनों का भी। ये अभी तो पता नहीं दूर किसी ड्रॉप पे जो बंदा आ रखा था उनको मारे थे, लेकिन पीछे से मैं आ जाता हूँ और हमारी टीम ने इनको पेल दिया।
और ये बेचारा कहाँ पड़ा हुआ था, या गोली तो पड़ी हुई थी फिलहाल। इनके ना कुछ बंदे ड्रॉप पे लुकने गए थे और ये तो एकदम क्या ही कहो मैं इसका सूर्य की दिया पे। खैर हमने यहाँ से गाड़ी उठाई और सीधा चले जाते हैं उधर जिस तरफ वो बंदा देख रहा था ड्रॉप पे, क्योंकि वहाँ पर ना एक ड्रॉप गिरा हुआ था। अब वो ड्रॉप लूटने जैसे हमारी टीम गई वहाँ पे फायरिंग हो जाती है, इन बंदों फायरिंग हुई, कुछ बंदे उतरे हुए थे वहाँ पे जो कि कैंप कर रहे थे, बट इन्होंने लेट आ दिया उनको। अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लूट वूट ही कर लेते। मैंने पहले ऊपर क्लियर किया सब कुछ, ऊपर देखा भाई रैंडम लोगों का उतना कोई भरोसा है नहीं, तभी एक बंदा दिखता है और इसको काफ़ी इजीली निपटाया। लेकिन इतना नहीं पता था कि मतलब और भी बंदे हैं इनके, मतलब इनके तो नहीं लेकिन कोई दूसरी टीम थी वो। जैसे मैं यहाँ पे आया इस बंदे को लूटा मैंने, तो एक दो मिनट ही हुए थे फायरिंग स्टार्ट हो गए थे, ऊपर से लेट लेट के बंदे फायर कर रहे थे और टीम ही थी वो, वैसे अलग ही टीम थी पूरी की पूरी। तो मैं सबसे पहले पेड़ के कवर में जाता हूँ, बाकी सब ठीक है लेकिन पेड़ के कवर में जाना सबसे पहले ज़रूरी है। मारने की कोशिश कर रहा था उस बंदे को लेकिन वो पहाड़ी के थोड़ा सा पीछे था, मतलब वो दिख जरूर रहा था लेकिन वो हल्का सा ग्लिच हो रखा था। तो मैंने सबसे पहले तो जो है और ज़्यादा कवर में जाना चाहा, गाड़ी थी यहाँ पे, बंदे थे मेरे को देखो हम कवर में, और अब देखो कैसे भरते हैं गाड़ी। मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, बंदा कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया था। अब एक बंदा यहाँ पे भी है, इसको पता मैं गाड़ी के पास आ गया था तो मेरे को मारने आया था, लेकिन दोनों को निपटाया काफ़ी सस्ते में निपटाया। और ऊपर भी एक बंदा था, अब आखिरी बंदा बचा है जो पीछे है। अब मेरी यहाँ पे एमो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहले मैं मारने जाता हूँ उस जो पीछे था बंदा उसको, अब यहाँ पे जो है उस बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया, मैं पीछे हो गया था यार फिर भी। अब सबसे पहले तो जो है मैं इनको बोलता हूँ भाई वो इस तरफ से आ रहा है 70 से, क्योंकि उसने एक बंदे को ख़त्म कर दिया था और ये बंदे तो कुछ इनको पता लग नहीं रहा था और ये देख भी कहीं और रहा था। फिर मैंने बोला भाई 40 से आ रहा है, 35 से आ रहा है, एक एक लोकेशन पता है इनको। अब ये बंदा मेरे को रिवाइव कर रहा पता, तो इनको बोलता हूँ रिवाइव करो, एक एक करके मार देगा तो एकदम भले भाई जाके मारो उसको, पहले तो मार दिया बंदे ने, उसके बाद इधर आते हैं। अब यहाँ पे ना स्कूल में कुछ लोगों ने मेरे को जो है कुछ कैंपिंग वैम्पिंग चल रही थी, जैसे मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे को लटा दिया वहाँ पे और मेरे को जो फिनिश कर देते, बट मेरे पे एक लाइव अभी भी थी तो मैं ना जिंदा होकर आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरी ग्रोजा व्रोजा तो चली गई थी लेकिन मेरे एक दोस्त ने मेरे को जो है यहाँ पे एक कैम दे दी। मैंने से बोला भाई बस मैं अपना जो सूट वूट लेके आता हूँ स्कूल से, लेकिन इतने में यहाँ पे आ जाते बंदे। अब बंदे आए तो हम दो ही बचे होते यहाँ पे, बाकी के दो तो हो गए फिनिश। और भाई इस बंदे ने लटा दिया पता सारे के सारे बंदे, एक बंदे को मैंने लटाया, दो बंदों को इसने लटा दिया। अब यहाँ तक सब कुछ सही था लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है ना एक काफ़ी ख़राब चीज़ हुई हमारे साथ, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। देखो सबसे पहले हम देखो अभी जो सर्कल है वो रोजो के आसपास का बन रखा है, तो बंदे भी धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमने भी लूट लूट ली अपनी पुराने वाली इस मुद्दों से और लेने के बाद जो है हम चले जाते हैं रोजो की इस पहाड़ी पर। अब यहाँ पे ना जहाँ पे स्कूल में मेरे को कैंप करके मारा गया था वहाँ पे देखने के लिए जाता हूँ मैं, लेकिन जोन वहाँ का रहता ही नहीं है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, जब जोन यहीं का ही है तो किसी ऊंची सी जगह पे छोड़ के बैठ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन यार आपको पता है इसके आर पार तो साफ दिख रहा है, तो वैसे लोग इतना नोटिस नहीं करेंगे इसके आर यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे खतरा तो है यार, मतलब सुरक्षित नहीं बैठ सकते यहाँ पे। पीछे कुछ बंदे आ जाते हैं इतनी देर में, तो मैंने बोला यार पहले पीछे वाले बंदों को निपटाते, वो बंदे मेरे सामने थे। अब इस छत के ऊपर जाके उस बंदे को इजीली देखा जा सकता था लेटे हुए सामने, और वो मेरे को दिखता है। मैंने देखा कि पहले उसने मेरे को कहीं देखा तो नहीं, और फिर मैंने इस बंदे को नॉक एंड फिनिश कर दिया काफ़ी इजीली। लेकिन अब बारी थी इसके बाकी बंदों की, जिनमें से कुछ बंदे मेरे सामने थे और एक ने तो मेरे को देख भी लिया पता, वो पहले ही मौली खींच के बैठ गया था वहाँ पे। एक ये बंदा है और एक जस्ट यहीं पे पीछे लेटा हुआ है, देखो पिक करके उसने मेरे पे कुछ तो थ्रो किया, और अगर ये नेट होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही मारा जाता, बट बच गया मैं। अब इस बंदे को निपटाना था, वैसे ये दो थे और मैं सबसे पहले तो घर के अंदर चला जाता हूँ, नेट वेट मारना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो सबसे पहले मैं घर के अंदर गया। अब मैंने सोचा यहाँ से नेट वेट बरसाता हूँ इन पर, बट यहाँ पर तो आपको पता है प्रॉपर बाउंड्री है ही नहीं, तो जब प्रॉपर बाउंड्री है ही नहीं तो मैंने सोचा एक काम करते हैं यहाँ से फेंकते हैं नेट, यहाँ पे ठीक ठाक बाउंड्री है और ये दो लोग हैं तो दोनों अलग अलग साइड टीवी भी ले रहे होंगे, अगर एक ही साइड ले रहे होंगे तो एक ही नेट में मारे जाएंगे। अब देखना होगा कि इनकी किस्मत कैसी है, मैं नेट फेंकता हूँ तो एक बंदा नॉक होता, मतलब दूसरा बंदा दूसरी साइड था, तो मैं दूसरी साइड भी एक नेट फेंक देता हूँ और फिर से वापस इसी साइड एक नेट फेंक देता हूँ।
अब सबसे पहले तो जो है जाके भर दे इनको, कि अभी दोनों जो है डैमेज हो रखे हैं और काफ़ी जल्दी दोनों को निपटा दिया यहाँ पे। हालांकि शायद उसने रिवाइव दे दिया था और दोनों की किल जो है टीममेट को मिले थे, मतलब हाँ रिवाइव दे दिया था उसने। अब बारी थी ऊपर जाने की वापस। अब यहाँ पे ना फिर से घुमा फिरा की बात यहीं पे आ गई और सारा का सारा जोन जो है यहीं पे बना हुआ था। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, हमारे ना राइट साइड में कुछ बंदे थे जो कि उछल रहे थे, बहुत देर तक उछल रहे थे। अब हम क्या समझेंगे, हम तो यही समझेंगे वो उछल रहे हैं क्योंकि वो हमारे सामने उछल रहे थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे सामने बंदे दिखते हैं, तो मैं टीममेट को बोलता हूँ मारना मत। वो मेरे को बहुत बार बोलते कि भाई मार दे इनको मार दे, बट मैंने बोला मारना मत क्योंकि देखो वो उछल रहे हैं ना। अब वो सामने उछल रहे होते हैं और हम थोड़ा सा पहले देखते हैं कि कंफर्म करते हैं वाकई में उछल रहे हैं, तो काफ़ी देर हो जाती है ऐसा करते करते, हम नहीं खड़े होते। फिर जब वो अभी भी उछल रहे थे, मैंने बोला यार अपनी सेफ्टी के लिए एक स्मोक फेंक देते हैं, ये ना हो कि वो हमें मारना स्टार्ट कर दें। तो मैं भी खड़ा होता हूँ, स्कोप ऑन करता हूँ, देखता हूँ वाकई में, तो पता चलता है उछल रहे हैं। तो मैं गन पीछे रख दिया, उछलने लग गया। अब मैं क्या करता यहाँ पे, तो उनमें से एक बंदा उछल, दूसरा बंदा डैमेज देना स्टार्ट करता है मेरी टीममेट को, मारना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोच लिया भाई कि अब ये बंदों के साथ टीम अप नहीं करना यार, लेकिन अब करते क्या, अब तो हम फंस चुके थे क्योंकि एक तरफ ये बंदा था ठीक है गिली सूट वाला और एक तरफ ये बंदे थे, ये अभी भी उछल रहा था लेकिन उसका टीममेट वो अभी भी फायरिंग कर रहा था। और तब आता है मेरे मुंह पे एक नेड, ये देखो सबसे पहले ये पीछे क्या, उसके बाद एक नेड आता सीधा बूम। ये नेड अगर नहीं आता ना इन दोनों को लटाता मैं, बट फिर एंड एट देन वो जो टिम्प वाला आता वही मेरे को एड से मार देता। मुझे समझ नहीं आता मतलब पहले उछलते हैं जब नहीं उछलना होता, मतलब अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा जो नई टीम करना चाहता तो ऑब्वियसली फिर आपको भी उछल के जो है कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट फाइट लो ताकि सीधा फाइट हो, क्योंकि अगर फाइट होती ना डायरेक्ट तो हम इस तरफ आते ही नहीं, हम जो है डायरेक्ट राइट साइड से नीचे नीचे जाके उनको जो है मारते और उसके बाद जो है गिली सूट वाले को मारते। बट क्योंकि बीच में फिर हम फंस चुके थे, एक उछल रहा एक नहीं उछल रहा, फिर राइट में भी लेफ्ट में भी बंदा आ गया था गिली सूट वाला, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था वहाँ पे। सो दैट्स इट, यही था गेम प्ले। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपका फेवरेट मोमेंट जो है मेरे को बताना वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जी को नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर एंड बाय।